अलीराजपुर के जनजातीय क्षेत्र में मैं जब पहुंचा और जिस प्रकार का जनसैलाब कार्यकर्ताओं से लेकर के नौजवान साथियों और आम जनता का था, उसको देख करके मैं तो बड़ा अभिभूत था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज नौजवान और जनजातीय क्षेत्र के लोग आज उत्साहवर्धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरा ये दौरा खंडवा लोकसभा के अंदर बुरहानपुर से शुरू हुआ है, आज अभी खंडवा के अंदर पूरे जिले के प्रत्येक बूथ के हर ग्राम नगर केंद्र के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये सम्मेलन आपने देखा कि इस जनसैलाब के साथ और प्रचंड उत्साह के साथ ये सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ है। आने वाले लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है कि हम इस चुनाव में अपने संगठन की ताकत के बल पर और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही हैं, उन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्याशी चयन भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट बोर्ड ये तय करता है, इसलिए जीतने वाला कार्यकर्ता कौन होगा वो चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है, सामूहिकता के आधार पर लड़ती है, टीम स्पिरिट से लड़ती है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है, प्रत्याशी कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हमको ये नहीं है कि यहाँ के वहाँ के, हम तो एक परिवार के नाते से काम करते हैं। मुझे खजुराहो लोकसभा में भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, मीडिया के लोगों ने कहा कि बीडी शर्मा जी 12 दिन बचे कैसे चुनाव जीतोगे, तो मैंने कहा कि भाजपा में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है और मुझे गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। मैं 5 लाख मतों से जीत करके आया, ये श्रेय बूथ के कार्यकर्ता को जाता है तो खंडवा के अंदर भी जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा जीतने वाला कार्यकर्ता कौन होगा उनको टिकट मिलेगी। और ये जन समुदाय जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये अपनी ताकत मेहनत के बल पर गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर हम इस चुनाव को इतिहास बना करके जीतेंगे। तालिबानी मानसिकता का उदाहरण मैंने इसे दिया कि आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इसी खंडवा के अंदर किस प्रकार से सिमी ने आतंक बरपाया, किस प्रकार से सिमी ने यहाँ पर जड़ें जमाई, ऐसी मानसिकता के लोग आज भी हैं, ऐसी मानसिकता को समर्थन करने वाले लोग भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कांग्रेस के ऐसे लोग भी हैं जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन भी करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों के घर उनको प्रोत्साहित करने के लिए जाते हैं। कि मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे बटाला हाउस के अंदर तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आतंकवादी को सजा दी, फांसी की सजा दी, दिग्विजय सिंह उसके घर जाकर के उसको प्रोत्साहित करने गए थे। तो ऐसे तालिबानी मानसिकता के लोग बहुत हैं, आज भी हैं, ऐसे लोगों को जवाब भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने संगठन काम की ताकत के बल पर देता रहा है और देगा। केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन मुद्दों पर जनता अपार समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीत का इतिहास बनाएगी। इसलिए मैंने कहा कि नंदू भैया हमारे बड़े आइडियल कार्यकर्ता, मैंने इसलिए उनका उल्लेख भी किया कि नंदू भैया जैसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी को यहाँ खड़ा किया, इतना बड़ा उन्होंने अपने संसदीय जीवन में काम किया है, इसलिए हमने संकल्प लिया है कि जो चुनाव में परिणाम आएंगे कि नंदू भैया को हम सच्ची श्रद्धांजलि तब देंगे जब जो वो उतने चुनाव से जीते थे जितने मतों से, उससे दुगने मतों से जीतकर उनको श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम जीत का इतिहास बनाएंगे। तो नंदू भैया हमारे आइडियल कार्यकर्ता हैं और वो आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब लोगों ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। आप घर अरुण यादव का घर चेंज करा रहे हैं, कौन सा घर भाजपा में ला रहे हैं? अब ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से जो आए उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को, हम केवल इतना देखते हैं कि वो काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांतों नेतृत्व उनको विश्वास है तो मोस्ट वेलकम।